टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जिसे भगवान का रूप माना जाता है कि अगर अगर कोई ज़िंदगी बचा सकता है तो वो है डॉक्टर, और लोग उन पर विश्वास भी करते, पर उसी पेशे को कुछ लोग यानी कि आप चंद पैसों के लिए लालच के लिए उस पेशे को बदनाम कर रहे हो और एक फर्जी वाड़ा चलाकर डॉक्टरी के पेशे पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। आखिर कौन है लोग? अनंतनाग की अगर बात करें तो हाल ही में अनंतनाग में एक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर और उसके क्लिनिक, ये फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया, उसके क्लिनिक को सील किया गया। और वो यही नहीं बल्कि उसके बाद जब कि प्रशासन ने लगातार अब गाज यानी गिरनी यानी कि शिकंजा कसना शुरू किया, तो एक और बात सामने आई कि अनंतनाग के बाद श्रीनगर गांधरबल में 3 और प्राइवेट क्लिनिक को सील किया है। यानी जो अनंतनाग में सामने आपको आया कि डॉक्टर जिसे भगवान का रूप कहा जाता है, मरीज जो उस पर विश्वास करता है, और किस तरह से लोग जो डॉक्टर के पेशे को भी यानी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं फेक डिग्रीज लेकर, और साथ ही साथ क्लिनिक खोलकर जिनकी प्रमाणता उनके पास नहीं है यानी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बावजूद भी वो इस तरह से क्लिनिक खोल रहे हैं। उस अनंतनाग के इस यानी कि घटना ने कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद खोली, तो उन्होंने और हरकत में आया, और उसके बाद लगातार एक के बाद अब प्राइवेट क्लिनिक पर भी नजर प्रशासन की, और इसी के चलते बताया जा रहा है कि अनंतनाग के बाद अब गांधरबल में भी 3 और प्राइवेट क्लिनिक को सील किया गया। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। अधिकारियों ने कश्मीर में 3 और निजी क्लिनिक यानी प्राइवेट क्लिनिक सील कर दी है, जहां स्वयंभू डॉक्टर यानी कि सेल्फ स्टाइल डॉक्टर जिसे पहले अनंतनाग में पकड़ा गया था प्रैक्टिस कर रहा था। मामले के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उसी दिन अनंतनाग में एक निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया था, 3 अतिरिक्त क्लिनिकों को सील कर दिया गया, एक गांधरबल में और 2 श्रीनगर में। यानी किस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा चलाकर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर में यानी श्रीनगर में जिले में निदानिक प्रतिष्ठानों को यानी कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने हवाले को नौशहरा में संचालित 2 क्लिनिकों की पहचान की, जहां स्वयंभू डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे यानी कि वो सेल्फ स्टाइल डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे थे। 2 निदानिक प्रतिष्ठानों के पास यानी कि बताया जा रहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का DRA मानदंडों यानी क्राइटेरियों के तहत पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का अभाव था। उनके दस्तावेजों की जाँच के बाद परामर्श कक्षों को सील कर दिया गया, साथ ही मामले को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों ने ये बताते हुए निरीक्षण से पता चला कि क्लिनिक जिले के क्लिनिकल प्रतिष्ठान के साथ पंजीकरण ही नहीं है यानी कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ही अभ्यास करने वाले डॉक्टरों के लिए परामर्श कक्ष के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन दिया गया है। यानी बिना ही आवेदन के लिए कि वो अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन दे के मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ या डॉक्टरी के माध्यम से लोगों को सेवा दे सकता हूँ, उसका कोई भी उन्होंने यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। निरीक्षण के दौरान टीम ने विभिन्न डॉक्टरों के यानी प्रिस्क्रिप्शन पैड को जब्त किया, जिसमें कथित तौर पर फर्जी विशेषज्ञ डिग्री रखने वाले डॉक्टर के नाम के साथ लेटर हेड, बही खाते और रसीद बुक भी शामिल थे। निरीक्षण दल द्वारा मौके पर ही क्लिनिक को सील कर दिया गया। DHS के प्रवक्ता ने कहा कि सचिव एंड MI के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी 3 क्लिनिकों को सील कर दिया और प्रासंगिक कानूनों के अनुसार गहन पूछताछ शुरू कर दी है। बताना चाहेंगे स्वास्थ्य सचिव ने चिकित्सा समुदाय की छवि खराब करने और वाले और संदिग्ध लोगों का शोषण करने वाले बेईमानों को व्यक्तियों पर सतर्क नजर रखने के महत्व पर जोर दिया है। बताना चाहेंगे हम स्वास्थ्य सेवा में उचित मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे नागरिकों के विश्वास और भलाई की रक्षा के लिए ऐसे कदाचार के खिलाफ तीव्र कार्रवाई आवश्यक है। DSHK ने सचिव स्वास्थ्य के हवाले से चिकित्सा पेशों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए समर्पण को मजबूर करते हुए साफ तौर पर कहा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जनता से भी अपील की है, उन्हें भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी
आधुनिक चिकित्सा पद्धति की सूचना अधिकारियों को देने का आग्रह किया है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास सुनिश्चित किया जा सकेगा। यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि स्वयंभू डॉक्टर यानी कि सेल्फ स्टाइल्ड डॉक्टर, जिनमें गुलजार अहमद का मामला अनंतनाग जिले के मेहमान गली इलाके के सामने आया था, जहाँ लोग विशेषज्ञ यानी कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट के रूप में उनके पास परामर्श के लिए आते थे, यानी वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर बना हुआ था जहाँ पर लोग उनसे सलाह लेने आते थे, उन्हें अपनी बीमारी की उनसे डिस्कस करने के लिए आते। हालांकि जांच करने पर कथित तौर पर उनकी डिग्रियों से छेड़छाड़ की बात भी सामने आई है, जिसके बाद मुख्य सचिव अधिकारी CMO अनंतनाग ने न केवल उस क्लिनिक को सील कर दिया जहाँ वह प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जाँच भी शुरू की। साथ ही अधिकारियों ने निर्देश जारी कर जिले के सभी निजी क्लिनिकों और अस्पतालों से अपने प्रतिष्ठानों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के सभी आवश्यक विवरण जमा करने का आग्रह किया, ताकि संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले डॉक्टरों पर नजर रखी जा सके। यानी अगर किसी पर भी संदिग्ध, यानी ये कहेंगे कि किन परिस्थितियों में अगर किसी पर शक है कहीं ना कहीं कि जो कौन कौन से लोग हैं जो फेक डिग्रियां लेकर यानी कि वहां पर क्लिनिकों में काम कर रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर जो जितने भी निजी क्लिनिक है प्राइवेट क्लिनिक से उन्हें हिदायतें दी है, जो जो भी डॉक्टर आपके पास काम कर रहे हैं या अपनी सुविधाएं दे रहे हैं उनके विवरण को जल्द से जल्द जमा करवाने के लिए कहा गया। और साफ तौर पर अनंतनाग के बाद अब और जो तीन जो क्लिनिक जो है गांदरबल और श्रीनगर में भी जिन दो क्लिनिकों को सील किया गया, उसके बाद हड़कंप मच गया कि जनता आखिर अपनी अब डॉक्टर के पास जाने से भी डरेगी कि क्या वो डॉक्टर वाकई में फेक है या सही है। यानी डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन, अब उस प्रोफेशन को भी ये जो पैसे के पुजारी हैं, ये लोग लालची लोग हैं, अब उस प्रोफेशन को भी बदनाम कर रहे हैं, किस तरह से फेक डिग्रीज लेकर और प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की जानों को जोखिम में डाल रहे हैं। यानी जिस तरह गैस्ट्रोलॉजी की बात करें, अन्य बीमारियों की बात करें, तो लोग जो डॉक्टरों के पास जाते हैं और इस विश्वास के साथ जाते हैं कि डॉक्टर हमारे हमें चेक कर हमारे डायग्नोज करके हमें बताएगा कि हमें कौन सी दवा लेनी है कौन सी नहीं। पर खुद सोचिए जो बिल्कुल ही जिन्हें इसका ABC भी नहीं पता होगा, जो फेक डिग्रियां लेकर इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लोगों की जानों को जोखिम में डाल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो खुद सोचिए कितनी जिंदगियों को जोखिम में डाला होगा इन लोगों ने। ना जाने कितने कब से चला रहे हैं और कितने लोग इनके पास से इनके परामर्श से दवाइयां लेते होंगे, चले जाते होंगे, क्या चल रहा होगा। यानी एक फर्जीवाड़ा चल रहा है, पर इस पर प्रशासन ने लगातार नजर कसी है, यानी कि लगाम कसी है। अब हर प्राइवेट क्लिनिक पर अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक दो नहीं, ना जाने और कितने इस तरह के लोग होंगे जो फर्जी डॉक्टर बनकर फर्जी डिग्रियां लेकर और जो क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाले। फिलहाल ये बड़ी खबर जो फिर से आ रही है कि अनंतनाग के बाद अब गांदरबल और तीन जो है श्रीनगर में भी, श्रीनगर और गांदरबल में तीन और प्राइवेट क्लिनिक को प्रशासन की ओर से सील किया गया है। अब देखना है और कितने फर्जीवाड़े इस तरह से सामने आते हैं, पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि आज के दौर में धोखाधड़ी का जमाना है, लोग किसी भी प्रोफेशन को यानी कि बदनाम करने का प्रयास करते हैं और जरा भी रत्ती भर भी उन्हें संकोच नहीं होता कि कल अगर कानूनी पचड़े में पड़ेंगे या पुलिस के हाथ चढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी अगर पीढ़ियों आने वाली उनका क्या भविष्य, इसका सोचे बिना ही लोग पैसे के लालच में किस तरह से उन लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना होगा कि जिनके जो बीमारियां लेकर अपनी आते होंगे पर उन्हें ये नहीं पता कि जिनके सामने वो अपनी दुविधा या अपनी परेशानी रख रहे हैं वो असली नहीं बल्कि वो नकली है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।